हेलो, आज ની દરેક વાર્તામાં ઉપસ્થિત આપ તમામ મીડિયા સાથી મિત્રોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. દરેક વાર્તામાં માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી ઉપસ્થિત છે. ગઈકાલે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજીના નેતૃત્વમાં એમની ઉપસ્થિતિમાં સુરતની અંદર ટેક્સટાઇલ્સ ना व्यवसाय साथे संकळायेला व्यापारीओ साथीओनी साथे संवाद कार्यक्रम नो आयोजन करेलू. आ संवाद कार्यक्रम पछी टेक्सटाइल ना व्यवसाय साथे संकळायेला खूब बधा व्यापारीओए वाया मीडिया फोन थी मैसेज थी संदेशों मोकलावीने खूब सारो प्रतिसाद आप्यो. एक दृष्टिए कहीए तो अनबिलीवेबल सपोर्ट टेक्सटाइल मार्केटना व्यापारीओ तरफथी मळ्यो छे. एमने अरविंद केजरीवालजीना ટેક્સટાઇલને લઈને જે વિઝન કાલે એમણે રજૂ કર્યું, વેપારીઓ માટેનું જે વિઝન રજૂ કર્યું, એના ઉપર ખૂબ ભરોસો છે. આટલો સરસ ઓવરવેલમિંગ સપોર્ટ આપવા બદલ અને સુરતની અંદર આમ આદમી પાર્ટીને, ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીને આગળ લઈ જવા માટે એમણે પોતાનો તમામ સહયોગ આપવા માટેની ખાતરી આપવા બદલ ટેક્સટાઇલના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા તમામ વેપારીઓનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આજે સુરતની ચમક જે હીરા છે એ હીરાના વેપારીઓ સાથે, હીરાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા રત્નકલાકારો, વેપારીઓ, અન્ય જે સાથીઓ છે હીરાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા, એમને મળવા માટે, એમની સાથે સંવાદ કરવા માટે અરવિંદ કેજરીવાલજી જવાના છે. ત્યારે ગઈકાલથી જ હીરાના વેપારીઓમાં, રત્નકલાકાર ભાઈઓમાં એક ઉત્સાહનો માહોલ છે. સૌને ખુશી છે કે ઘણા વર્ષો પછી એમની સાથે કોઈ વાત કરી રહ્યું છે. આખા ગુજરાતમાંથી ખૂબ પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે, ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. હજારો લોકો પાર્ટીના ઓફિશિયલ ટ્વિટર, ફેસબુક ઉપર મેસેજ કરીને, મારા સાહેબના ઈમેલ એડ્રેસ, ટ્વિટર, ફેસબુક ઉપર મેસેજ કરીને ખૂબ જબરજસ્ત સમર્થન આપી રહ્યા છે અને અમારો બધાનો ઉત્સાહ વધારી રહ્યા છે. એ બદલ ગુજરાતની સૌ જનતાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. હું માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને વિનંતી કરીશ. શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી, આપ સબ લોકો કો મેરા નમસ્કાર. કલ હમારી ટેક્સટાઇલ કે વેપારીઓ સે मीटिंग हुई, आज हमारी डायमंड के व्यापारियों से मीटिंग है. उसके पहले भी आप लोगों को याद है कि अलग अलग शहरों में जाके हमने व्यापारियों से मीटिंग की थी. सब जगह एक ही चीज़ निकल के आ रही है, व्यापारियों को ज़बरदस्त तरीके से धमकाया जाता है, उनके साथ गुंडागर्दी की जाती है, उनका अपमान किया जाता है, उनको गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है और उनसे वसूली की जाती है. इस तरह से व्यापारी कैसे व्यापार करेगा? ये चुनाव बदलाव का चुनाव है. सभी व्यापारियों ने हमें भरोसा दिया है, और जब मैं बोल रहा हूँ सभी तो लगभग सभी व्यापारियों ने भरोसा दिया है. वो खुल के साथ नहीं आ सकते, उनकी मजबूरी है, नहीं तो उनका धंधा चौपट कर देंगे. लेकिन अंदर खाने एक एक व्यापारी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला है. मेरी सभी व्यापारियों से अपील भी है कि आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन इज्जत नहीं मिली तो क्या फ़ायदा हुआ. अगर एक छोटा मोटा इनका कार्यकर्ता भी अगर आपको फ़ोन करके आपको गाली गलौज कर सकता है, आपको धमकी दे सकता है, आपके साथ गुंडागर्दी कर सकता है, ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा. ये मौका है आपका, ये पूरा सिस्टम उखाड़ के फेंक दो आप. आपको हमारी पार्टी आएगी, आपको पैसा कमाने का भी अवसर होगा, सारे जितने भी सरकारी सिस्टम है इसको ठीक करेंगे और आपको सम्मान भी देंगे. आप बिना डर के अपना काम कर पाएंगे, आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा. बिना मान और सम्मान के क्या ज़िंदगी है. तो सभी व्यापारी आम आदमी पार्टी के साथ हैं. एक चीज़ और, आज मैं गुजरात की महिलाओं से और युवाओं से अपील करना चाहता हूँ. ख़ास तौर से आप तो वोट दे रहे हैं लेकिन इस बार आप अपने अपने घर में, अपने जितने दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन सब लोगों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार कीजिए. उनको मनाइए, बिठाइए, पुचकारिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन परिवार के सब सदस्यों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए कहिए. महिलाएं वोट दे रही हैं क्योंकि पहली बार कोई पार्टी आई है, पूरे देश के अंदर पहली बार कोई पार्टी आई है जो कह रही है हम आपको महंगाई से छुटकारा दिला देंगे. इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और सबसे ज़्यादा महंगाई की मार महिलाओं को झेलनी पड़ती है क्योंकि उनको घर चलाना पड़ता है.
15-20 दिन में, महीने के पहले 15-20 दिन में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद समझ नहीं आता कि घर का खर्चा कैसे चलाएं। तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है जो कि हम 1 मार्च से आपके बिजली के बिल 0 कर देंगे, इसका महिलाओं के अंदर खासकर बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। महिलाएं इससे बहुत खुश हैं कि हर परिवार के 2-3 हज़ार रुपये बच जाएंगे। हमने जो ऐलान किया है कि हर महिला के अकाउंट में 1,000-1,000 रुपये महीना डालेंगे, इससे महिलाएं बहुत खुश हैं, उन्हें लगता है कि महंगाई से थोड़ा बहुत छुटकारा मिलेगा। हमने जो ऐलान किया है कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ने देंगे, दिल्ली में 7 साल से हमने प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ने दी, जितनी गुंडागर्दी प्राइवेट स्कूल वालों ने मचा रखी थी वो सब ख़त्म की हमने। यहाँ पे भी अगले 5 साल कोई प्राइवेट स्कूल अपनी फ़ीस नहीं बढ़ाएगा, इससे परिवारों को महंगाई से मुक्ति मिलेगी। जितना इलाज का दवाई का खर्च आता है, हम सभी परिवारों का सारा इलाज मुफ्त करेंगे, शानदार इलाज कराएंगे, अच्छा इलाज कराएंगे और मुफ्त इलाज कराएंगे, इससे आपके घर का खर्चा बचेगा। तो अकेली आम आदमी पार्टी है जो महंगाई से आपको मुक्ति दिला सकती है, अकेली आम आदमी पार्टी है जो रोजगार बेरोजगारी से मुक्ति दिला सकती है। इसी वजह से ढेरों युवा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमने कहा कि जो पेपर फूटते हैं गुजरात के अंदर, इससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। जितने 12 केस हुए हैं पेपर फूटने के पिछले कुछ सालों में, सारे केसेस को खोला जाएगा और उनको 10-10 साल की सज़ा दिलवाई जाएगी जिन लोगों ने पेपर बेचने का काम किया। अगले 1 साल के अंदर सारी सरकारी नौकरियों की भर्ती पूरी कर दी जाएगी और एक भी पेपर फूटने नहीं देंगे। बेरोजगारों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे और जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तब तक 3-3 हज़ार रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो इन सभी हमारे जो ऐलान हैं, इसकी वजह से खासकर युवा और महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में, हमारे सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि युवाओं में और महिलाओं के अंदर हम बीजेपी से बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे, दोनों के अंदर कोई मुकाबला नहीं बचा है। महिलाएं जम के आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं, युवा जम के आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। आज युवाओं से और महिलाओं से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपने घर के एक एक सदस्य को आपको किसी भी तरह से बिठा के आपको मनाना है, वोट डलवाने ले जाना है और मनाना है कि आम आदमी पार्टी को वोट दें। बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है गुजरात के अंदर। अगर आपके 1-2 क्वेश्चन हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, मैंने इतना लिख के दिया, 92 से ऊपर आ रही हैं। अभी स्पेसिफिक सीट्स का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर लिख के देता। नहीं नहीं ज़रूर लिख के देंगे, मैंने बोला था सूरत में 7 या 8 से ज़्यादा सीट आएंगे, तो उससे आप ये वो लगा सकते हैं। गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं मेरे सर्वे के मुताबिक, भारी मार्जिन से, लिख के दे देते हैं, वो लिख के दे देते हैं। वराछा मतलब अल्पेश कटीरिया, तीन लिखे हैं मैंने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं,
हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, तीनों जीत रहे हैं। किसका? मोदी जी कल सूरत के दौरे पे थे तो। हाँ हाँ, तो क्या आप लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? आप मेरे को ये बताइए, एक सूरतवासी उनको वोट क्यों दे? 27 साल के बाद आज गुजरात में इतनी महंगाई और इतनी बेरोजगारी है, एक आम गुजरातवासी सूरतवासी कहाँ जाए अपने परिवार को लेके? उसके समाधान कोई दिया प्रधानमंत्री जी ने या बीजेपी ने? कोई समाधान दिया कि हमें वोट दो, हम आपकी महंगाई दूर कर देंगे, हम आपकी बेरोजगारी दूर कर देंगे? सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं कि सबसे बड़े दो मुद्दे गुजरात के लोगों के सामने महंगाई और बेरोजगारी है, उसका समाधान केवल आम आदमी पार्टी दे रही है। और हम ऐसा टाइम बाउंड समाधान दे रहे हैं, 1 मार्च से आपके बिजली के बिल बंद कर देंगे, आपका ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। कोई पार्टी नहीं बात कर रही, लोगों के मुद्दों की तो बात ही नहीं कर रहे, गालियां देते हैं बस। मैंने देखे इन सब नेताओं के भाषण, गालियां देते हैं, पानी पी पी के केजरीवाल को गालियां देते हैं। इससे क्या लोगों को समाधान मिलेगा? इससे समाधान तो नहीं मिलेगा, इसीलिए लोग हमारे पास आ रहे हैं। लोगों को केजरीवाल से प्यार नहीं है, लोगों को गोपाल इटालिया से प्यार नहीं है, ईशुदान से प्यार नहीं है। लोगों को लग रहा है इन लोगों के पास समाधान है, और ये दिल्ली में करके आए हैं, पंजाब में करके आए हैं, इसलिए हमारे साथ दे रहे हैं। और इसीलिए खास तौर से महिलाओं में बहुत हमारा क्रेज है, युवाओं में बहुत क्रेज है। सर्वे जब चमत्कारिक रिजल्ट आ रहे हैं इन दोनों सेक्शंस के अंदर, उनसे मेरा निवेदन है, महिलाओं से और युवाओं से, अपने घर का एक एक वोट झाड़ू को डलवाना। बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू।